रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव आपकी आवाज। यूपी के हापुड़ के सिंबावली पुलिस ने दो शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। दंगे कब्जे से 1,20,000 की नगदी, 29 एटीएम कार्ड बरामद। घटना में प्रयुक्त दो कार बरामद की गई है। बड़ी सफलता सिंबावली पुलिस को मिली है। संवाददाता आलम चाय कर। सिंबावली पुलिस द्वारा जो गिरफ्तारी करी गई है, क्या बरामद हुआ है? देखिए, योगढ़ और थाना से बाबरी पुलिस द्वारा एक बहुत ही अच्छा अनावरण किया गया है घटना का। उनकी टीम जो एक सराहनीय कार्य है, एक 13 फरवरी को सिंबावली पुलिस को एक FIR प्राप्त हुई थी, जिसमें एक रिटायर्ड कर्मी द्वारा बताया गया था कि उनका ATM कार्ड बदल करके 2,00,000 रुपये लगभग उनके ATM कार्ड से विड्रॉ हो चुके हैं और उनको काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है। इसको लेकर के सिंबावली पुलिस ने FIR पंजीकृत करी थी। FIR पंजीकृत करने के उपरांत तुरंत अपनी सभी टीमों को लगा करके इन्होंने बहुत गहन छानबीन के उपरांत एक मास्टरमाइंड जिसका नाम गुलशन कुमार है, जो पंजाब का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है। साथ ही में एक नितिन नाम का व्यक्ति है जो बुलंदशहर का रहने वाला है, इनको गिरफ्तार किया है। घटना में जो इन्होंने 2,00,000 रुपये ठगे थे, उसमें से लगभग 1,20,000 रुपये की बरामदगी कर ली गई है। साथ ही साथ ये लोग जो ये गैंग चलाते हैं, गैंग चलाने के उपरांत इनके पास सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स और ATM कार्ड है। लगभग 30 ATM कार्ड विभिन्न बैंकों के, ये भी इन्होंने बरामद किए। और घटना में प्रयुक्त दो गाड़ियाँ, एक रेनॉल्ट और एक वैगनार गाड़ी, जिसको ये लोग यूज़ करते थे, इनका गैंग यूज़ करता था, इसको बरामद किया है। गुलशन कुमार ने अपनी विस्तृत पूछताछ आख्या में बताया कि ये पहले भी पंजाब और यूपी में इस तरीके के काम कर चुका, और पंजाब के लुधियाना शहर से भी ये जेल जा चुका है। ATM कार्ड बदलने के एक संगठित गिरोह ये चलाता है। मेवात के अपने कुछ साथी, उनका भी नाम इन्होंने बताया। और इन्होंने ये भी बताया है कि जनपद हापुड़ के ही रहने वाले कुछ और व्यक्ति हैं जो इस गैंग में शामिल होकर के ये इस तरीके के काम ये लोग करते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि इस पूरे गैंग में आने के पीछे जो ये काम करते हैं ATM बदल के फ्रॉड करने के, उसके पीछे इनकी नशे की लत, ये पंजाब में रहते हैं, वहाँ हीरोइन का नशा ये करते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली आकर के भी कुछ ड्रग्स परचेज करते थे ये लोग, और उसको ले जा करके पंजाब में बेचते भी थे पैसे कमाने के लिए, और इसी लत की वजह से इन्होंने इस काम में अपने आप को डाल दिया। इन्होंने साथ में ये भी बताया है कि कुछ अन्य सदस्यों के साथ इनका संपर्क है, जो यहाँ पे और भी जगह इस तरीके के गैंग चलाते हैं। बाकी जब इन्होंने पूछताछ में स्वयं ही ये चीज़ें बताई हैं कि जनता किस तरीके से ATM में गलती करती है, जिसका हम फ़ायदा उठा करके लोगों को चकमा देते और उनका ATM कार्ड बदल लेते। इन्होंने बताया खासतौर पर कि कैसे लोग, जो ये लोग हैं जो बिना गार्ड के जो ATMs होते हैं वहाँ पे, उसको टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो आए बाएं अगल बगल लोगों से पूछताछ करते हैं कि भाई उसमें से पैसा कैसे निकालें। उन्होंने ये भी बताया कि जब लोग अपना पैसा निकालते हैं तो ATM का जब वो पिन डालते हैं तो उसको उंगली से नहीं ढकते, हाथ से नहीं ढकते, और हमारा एक साथी ATM में खड़ा होता है जो ये पूरी चीज़ों